hello student i hope you all are happy at your home my dear student today we are going to start about the governor who is the governor and what will the functions of governor so listen to me carefully and i also i hope so all students are paying attention to their study okay let us start governor the governor is the executive head of the state executive means decision making कार्यकारिणी की जो गवर्नर होता है वो एग्जीक्यूटिंग हेड होता है अपने स्टेट का कि अपने राज्य का सबसे बड़ा कार्यकारिणी गवर्नर राज्यपाल होता है द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन द गवर्नर कि द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वेस्ट मीन्स उसमें निहित होता है इंक्लूड होता है द एग्जीक्यूटिव पावर्स जो कार्यकारिणी जो शक्तियां हैं ऑफ़ द स्टेट स्टेट की इन द गवर्नर वो गवर्नर के अंदर ही स्टेट की जितनी भी शक्तियां होती हैं वो उसमें निहित होती है बट बिकॉज ऑफ द एडोपशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन द स्टेट्स बट बिकॉज ऑफ़ द एडोप्शन एडोप्शन यानी अज्यूमिंग अपनाना परंतु क्या कारण होता है कि अपनाई जाती है ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री यानी लेजिस्लेटिव संसदीय जो सरकार होती है इन द स्टेट स्टेट के अंदर द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारे एक स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्न, गवर्न गवर्नर होता है और उसके अंदर ही सारी पावर निहित होती हैं एंड ऑल हीज पावर्स आर इन एक्चुअल प्रैक्टिस और जित और उसकी जो शक्तियां होती है एक्चुअल मीन्स रियल वास्तविक और वो प्रैक्टिस में रहती हैं एक्चुअल होती हैं एक्सरसाइज बाई द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज्ड बाई कि उसकी जितनी भी पावर और वो जो भी वो एग्जीक्यूटिंग एडवाइज uh, लेता है सजेशन देता है वो किसके द्वारा देता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट की जो हमारे राज्य की जो संसदीय मंत्रिपरिषद है उनके द्वारा ही वो अपने निर्णय लेता है नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अब हम ये देखेंगे कि गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर होता है नियुक्त करना by the president कि जो अपना गवर्नर होता है, वो एक प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है इन बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस द प्रेसिडेंट मेक्स दिस अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और वास्तव में क्या होता है वो प्रेसिडेंट भी उसको रिकमेंड नहीं करता वो क्या करता है प्रेसिडेंट मेक्स दिस अपॉइंटमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर की, की रिकमेंडेशन यानी एडवाइस सजेशन सिफारिश के आधार पर उस गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है नाउ वी विल डिस्कस द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर की एक राज्यपाल की क्वालिफिकेशन शिक्षा क्या होनी चाहिए He must be a citizen of India. उसे इंडिया का नागरिक होना चाहिए He must not be below थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज और थर्टी फाइव उसकी आयु कम नहीं होनी चाहिए He must not be a member either of the union or of the state legislature. की जो अपनी राज्य विधायिका है और जो union विधाय union है उसका वो किसी का भी member नहीं होना चाहिए If ही इज ए में लेजिस्लेचर यदि किसी भी लेजिस्लेचर का वो सदस्य होगा ही हैजू रिजाइन फ्रॉम हिज सीट इन द लेजिस्लेचर बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर की अगर वो किसी भी लेजिस्लेचर का सदस्य है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा लीव करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा इस्तीफा देना पड़ेगा फ्रॉम हिज सीट अपनी सीट से इन द लेजिस्लेचर की विधायिका के अंदर बिफोर अज्यूमिंग अज्यूमिंग यानी टेक फॉर ग्रांटेड कि यह सोचते हुए कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर कि जो गवर्नर का ऑफिस है उसके अंदर ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ही मस्ट नॉट होल्ड उसको नहीं रखना चाहिए कोई भी ऑफिस प्रॉफिट के लाभ में जो गवर्न अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर उसको कोई भी प्रॉफिट की सीट नहीं रखनी चाहिए और एनी स्टेट गवर्नमेंट ना ही उसे कोई राज्य सरकार का कोई भी सीट के ऊपर कार्यालय सरकारी कार्यालय में उसको नहीं रहना चाहिए नाउ टर्म ऑफ ऑफिस अब उसकी ऑफिस की क्या टर्म्स होती है लेटर सी द गवर्नर्स टर्म ऑफ ऑफिस इज फाइव इन की जो उसका कार्यकाल है गवर्नर का वो पांच साल का है एज ही होल्ड हिस्स ऑफिस जैसा की वो अपने ऑफिस के अंदर रहता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट की कोई भी जो प्रेसिडेंट के द्वारा उसको जो आनंद की खुशी दी जाती है हिज टर्म कैन बी टर्मिनेटेड इवर अर्लियर बाय द प्रसिडेंट और जल्दी ही टर्मिनेटेड मीन्स होता है एंड या क्लोज कि उसकी अगर वो प्रसिडेंट को पाया गया कि वो किसी प्रॉफिट uh, के लाभ पे या उस पर है तो हिज ट्रम्प कैन बी टर्मिनेटेड उसके जो कार्यकाल है वो समाप्त किया जा सकता है अर्लियर एक प्रसिडेंट के द्वारा बहुत ही जल्दी हाउ यूवर द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और इस प्रकार जो प्रेसिडेंट होता है ये जो कार्य करता है किसी गवर्नर को एडवाइस देना सजेशन करना टर्मिनेट करना उसको हटाना उसकी सीट से वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस या काउंसिल उसकी सलाह पर करता है हिज अपॉइंटमेंट उसका जो अपॉइंटमेंट uh, है उसका एंड uh, रिमूवल uh, और उसका जो ट्रांसफर है या टर्मिनेट है उसको हटाने का आर पॉलिटिकल डिसीजन यह एक राजनीतिक रेजोल्यूशन होता है डिसीजन मीन्स रेजुलेशन निर्णय बेस्ड मोस्टली ऑन पॉलिटिकल कंसिडरेशन कंसिडरेशन मीन्स होता है थॉट विचार और ये सबसे ज्यादा किसके ऊपर निर्भर करता है जो राजनीतिक समझ है उसके ऊपर निर्भर करता है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर कि ये गवर्नर की शक्तियां और उसके कार्य क्या होते हैं सो लेट अस सी द गवर्नर्स पोजिशन इन रिलेशन टू द स्टेट कि जो सरकारी पोजिशन है उसकी उसका रिलेशन है स्टेट काउंसिल का जो राज्य परिषद है उसके साथ ऑफ मिनिस्टर इज टेक्निकली वो साइंटिफिकली तकनीकी रूप से उसका मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मंत्री परिषद है अपने राज्य की उससे संबंध होता है द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एट द सेंटर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसे ही जैसे सेंटर के अंदर जो प्रेसिडेंट की जो भूमिका होती है वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की जो मंत्रिपरिषद होती है उसी की तरह अपने राज्य के अंदर भी जो अपना चीफ मिनिस्टर होता है वो गवर्नर को सजेस्ट और एडवाइज करता है ही एक्सरसाइजेज हिज पावर्स इस प्रकार जो उसकी शक्तियां हैं एंड फंक्शंस उसके जो कार्य है ऑन द एडवाइज ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इसी प्रकार राज्य के अंदर भी जो गवर्नर है उसके फंक्शंस और जो पावर्स होती है वो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारी मंत्री परिषद है चीफ मिनिस्टर की वही उसको एडवाइज करती है और वही उसको सजेस्ट करती है बट द गवर्नर पजेस डिस्क्रिशनरी पावर्स एज एन एजेंट ऑफ सेंटर परंतु जो गवर्नर होता है ओवन या है, वो भी अपने पास रखता है वोल्ट्री या ऑप्शनल विवेकाधीन की जो उसके दिमाग से माइंडेड के अकॉर्डिंग वो कुछ पावर रखता है एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर जैसा कि एक सेंटर के अंदर एजेंट होता है विच ही कैन एक्सरसाइज उसी तरह वह कर सकता है एक्सरसाइज थ्रू हिज इंडिविजुअल जजमेंट कि उसकी जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल यानी सेपरेट उसकी जो व्यक्ति व्यक्तिगत जजमेंट है जजमेंट यानी लीगल ओपिनियन कि जो उसकी कानूनी जो उसका न्याय है वो अपने पास वो रखता है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न कि कब जब उसको ये लगता है कि अगर ये स्टेट कंसर्न की जब राज्य के जो वरिड है उसकी जो चिंताएं हैं उसके बारे में अगर राज्य को उस इंटरेस्ट uh, हो रहा है गवर्नर की कोई भी एडवाइस पर दस वी मे से दैट सो माई डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं इसके पूरे कंक्लूजन पे कि जैसे हमारे सेंटर के अंदर एक प्रेसिडेंट की सीट uh, होती है सिचुएशन होती है उसका डेजिग्नेशन होता है इसी तरह स्टेट में एक गवर्नर का डेजिग्नेशन होता है वो भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग अपना कार्य करता है जैसे कि सेंटर में अपना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग करता है पर वो उसके पास भी एक डिस्क्रिमिनेशनरी एक वॉलेंट्री ऑप्शनल पावर होती है जिसका वो अपने स्टेट uh, में कोई भी अगर uh, उसकी सिचुएशन क्रिएटेड होती है और कोई इंटरेस्ट होता है तो वो अपना सजेशन उस उसमें देता है सो दस वी मे से दैट द गवर्नर एक्ट इन टू कैपेसिटीज की उसकी दो क्षमताएं होती है सो कैपेसिटीज मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट समथिंग कैन कंटेंट की उसकी कुछ क्षमताएं होती है सो माई डियर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस टू कैपेसिटीज रिलेटेड टू गवर्नर इन माई नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू राइट वर्ड मीनिंग इन योर फेयर नोटबुक टिल नाउ हैव ए नाइस डे